चलाए जा रहे अभियान के तहत राजेंद्र नगर पुलिस व सीएसपी बीपीएस परिहार ने टीम गठित कर कच्ची शराब बनाने वालों के ठिकानों पर दबिश देकर 10 लीटर से भी अधिक जहरीली शराब बरामद की है। वहीं पुलिस ने एक महिला सहित पुरुष को भी अपनी गिरफ्त में लिया है। दरअसल मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के निहालपुरा मंडी के पास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 मंजिला मकान के अंदर कच्ची जहरीली शराब बनाने का कार्य चल रहा है। सूचना पर टीम गठित कर सीएसपी बीपीएस परिहार सहित 2 थानों का बल ने दबिश दी, जहां आरोपी दिनेश और महिला प्रेमाबाई को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपियों ने घर के अंदर पानी के टैंक जैसे खुद बनाकर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का काम किया जा रहा था। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों पर पूर्व में भी अवैध जहरीली शराब मामले में प्रकरण पंजीबद्ध है, जहां पुलिस ने 10 लीटर जहरीली शराब सहित बड़ी मात्रा में महुआ बरामद किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन उनके देने ने अभियान जो चलाया था, जो ओबीसी में भी दिया था, हमारे डीजी साहब, आईजी साहब वगैरह ने भी, एसपी साहब ने निर्देश दिए थे कि कहीं पे भी अगर शराब अवैध बिकती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में आज मैंने टीआई राजेंद्र नगर और टीआई अन्नपूर्णा और बल लेके आसपास के थानों का बल लेके निहालपुर मुंडी और एक दो जगह और रेड किया था, जहाँ पर पूर्व में भी शिकायतें थी और उस क्षेत्र में अवैध महुआ की शराब बनती थी। इसी तारतम्य आज किया था तो 2 जगह शराब पकड़ी गई है, एक दिनेश पिता भंवरलाल और प्रेम भाई वाइफ आप जितेन, जिनके पास से 5 लीटर शराब जहरीली महुए की बरामद की गई है। 49A 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, जो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है इस तरह का कि पहले भी ये इस तरह की? हाँ, ये दिनेश इनकी पत्नी पहले पकड़ाई थी और ये लोग जो पूरा सीमेंटेड फर्श बना था, मुझे भी देखकर आज पहली बार ऐसा लगा कि सीमेंटेड फर्श है और उस पर भी ऐसा ऊपर से एक पत्थर रख देते हैं जो समझ में नहीं आता है। जब उसको बारीकी से देखा गया, पूरा चेक किया गया, इन्फॉर्मेशन थी, तब उसको खोला गया, उसमें नीचे शराब रखी हुई थी और महुआ का भी काफ़ी लहान था जिसको वहीं पर नष्ट किया। घर में मतलब उन्होंने टंकी वगैरह? हाँ, बड़े बड़े मकान है, डबल स्टोरी मकान है जिसको अपन सोच के भी नहीं सकते, और वहाँ पता चला कि वहाँ फर्श है, पक्की फर्श है और उसमें ऐसा एक बना दिया है ताकि ऊपर से दिखता भी नहीं अगर, पर पूरा बारीकी से चेक किया गया। हमारा जो स्टाफ अनुभवी था जो पहले ऐसा रेड कर चुके थे, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर डाउट है, तो बाद में देखा गया कि उस पक्की फर्श के नीचे बड़े बड़े मटके वहाँ पर गड़े हुए थे, जिसमें महुआ भी वहाँ लहान जो चढ़ रहा था शराब बनाने के लिए वो भी वहाँ पर गड़े हुए थे, जिसको वहाँ पर निकाल के नष्ट करवाया गया और ये जब्त किए गए। सर, इनके आर्थिक कवर तोड़ने के लिए क्या इस तरह के अभियान में इनके विरुद्ध मकानों का भी कोई कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, पहले भी थे तो उसमें से हम लोग अभी देखते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं कि जो पूर्व में भी पकड़ाए हैं, और हम निर्णय ले के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर और इस पर कार्रवाई करेंगे। इसी तारतम्य में पूरे मोहल्ले के लोगों को आज मैंने वहाँ एकत्र करके सभी अधिकारियों के समक्ष उनको समझाया भी कि पूर्व में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, आपके इस कार्य से कितना नुकसान हुआ है, कई जगह का उदाहरण दिया, तो पूर्व में अगर अपराध ऐसे कर देते तो अब निश्चित रूप से इसमें नहीं करना चाहिए। ऐसे काफ़ी आज लोगों ने कहा भी, दूसरे लोगों ने, कि हम अभी इस अपराध में संलिप्त नहीं रहेंगे और हम लोग बारी लगातार ये अभियान चालू रहेगा और ये अवैध शराब के विरुद्ध हम कार्रवाई करते रहेंगे। सर, मतलब नशीले पदार्थ को जो सेवन करते हैं उन लोगों को भी समझाई दी गई और एक अच्छा समावेश उनसे भी जनसंवाद किया? हाँ, उनको समझाया गया, जो बच्चे भी थे वहाँ पर, और काफ़ी लोग जो पुराने जो क्या हैबिचुअल हैं जो महुआ शराब, और आपने देखा होगा कि जो 2-3 जगह जो घटनाएं बड़ी अपने प्रदेश में हुई है इसी शराब से हुई है, जिसमें बनाने में यूरिया या ऐसे जो उपयोग कर लेते हैं जिसमें मृत्यु हुई है मुरैना या दूसरी जगह भी, ऐसा उनको उदाहरण देके समझाया गया कि आप ये देखिए कि आपका परिवार बिगड़ था, कैसे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो उन लोगों ने ये कहा है, आश्वस्त किया है कि ऐसे हम इस जो इस धंधे में रहे हम नहीं रहेंगे। उनको कहा भी गया है कि अगर आप इसमें संलिप्त रहेंगे तो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।